एक बालकनी दिया है, यूटिलिटी बालकनी। तो आपने बोला था कि थोड़ा सा वेलकम करती हूँ, तो नहीं, मैं गलती से बोल दी थी। आज चलिए मैं पूरा वेलकम करती हूँ अपने किचन में आप लोगों का। तो चलिए देख लेते हैं थोड़ा सा, आइए मेरे साथ मेरे किचन में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल ममता जवे में। कैसे हैं आप सब, तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी हमेशा की तरह जरूर लिखिए। पर अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जैसे हमेशा करते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वॉशिंग मशीन का जो डेमो है, रिव्यू है, मैं सब कुछ आपके साथ शेयर करूँगी और कैसे सर्फ डालते हैं, कितना पानी लेता है, फुल ऑटोमेटिक है, किस प्रकार से मतलब सारे काम को कितनी ईजिली हमारे कार्य को कर देता है, सब कुछ मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और उस दिन आप लोगों ने बोला था कि दीदी आपने बोला था कि थोड़ा सा वेलकम करती हूँ, तो नहीं, मैं गलती से बोल दी थी। आज चलिए मैं पूरा वेलकम करती हूँ अपने किचन में आप लोगों का। तो चलिए देख लेते हैं थोड़ा सा, आइए मेरे साथ मेरे किचन में। तो ये डिश वॉशर है जैसा कि आपने देखा है, और ये देखिए हमेशा आप लोगों ने बोला था इतना समय लेता है, इतना पानी, इतना बिजली, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए मैं अपने बर्तन, जितने मेरे बर्तन थे, जूठा, उस दिन मैं जूठा ही बर्तन डाली थी, आप लोग बोल रहे थे जूठा नहीं था, ऐसा कुछ नहीं है, मैं क्यों साफ बर्तन डालूंगी। तो देखिए इसको ऑटो मोड पर मैं की थी, तो 1.5 घंटे का ये टाइम लिया था और ये अपना काम कर रहा है। तो देखिए मैं, ये बालकनी है, ये किचन से ना एक बालकनी दिया है, यूटिलिटी बालकनी। तो ये बालकनी है, इधर से देखिए सारे बिल्डिंग दिख रहे हैं, अभी अंधेरा है, शाम का समय भी है। और इधर मैं अपना ये वॉशिंग मशीन रखी हूँ, जो कि फ्रंट लोडिंग वॉशिंग मशीन है, आपको दिख रहा होगा। और ये ना 7 केजी का है, तो ये केजी के हिसाब से इसका प्राइस भी है, अगर आप चाहें तो छोटा भी ले सकते हैं, बड़ा भी ले सकते हैं। तो ये मैं 7 केजी के लिए ली हूँ, तो ये 32 से लेके 35 के बीच में मतलब इसका प्राइस आ जाता है। तो ये ना जैसे कि 7 केजी का है, तो उसके अकॉर्डिंग इसका प्राइस भी होगा, ठीक है। तो ये ऑन हो गया, ये फुल्ली ऑटोमेटिक है, जो सेमी ऑटोमेटिक है ना उससे थोड़ा सा इसका प्राइस तो ज़्यादा है, ये तो मैं मानती हूँ, लेकिन ना उसमें पानी वगैरह ज़्यादा लगता है। दूसरी बात क्या है कि जैसे ना उसमें बार बार हमें ड्रेन करना पड़ता है, पानी भरना पड़ता है, जो कि वो मेरे ससुराल में है, कभी कभी हम लोग भूल जाते हैं और पानी ओवरलोड होकर गिरने लगता है और फिर ड्रेन नहीं कर पाते हैं, भूल जाते हैं। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, आप एक बार कपड़े को डाल दीजिए, पूरा टोटल आपको भूल जाना है कि ये कब मशीन कितना पानी लिया, कब हमें ऑफ़ करना, ऑटोमेटिक ये ऑफ़ हो जाता है। तो ये फुल ऑटोमेटिक है, ये अपनी आप ऑफ़ भी हो जाता है, अपने से पानी भी, इसको जितना ज़रूरत है उतना पानी भी ले लेता है और बिजली भी बहुत अधिक सेव होता है, क्योंकि इस मशीन को मैं 4 ईयर से यूज कर रही हूँ। आप मेरे हाउस टूर के वीडियो में देखे होंगे, जब मैं केरला में थी तभी मैं ये मशीन ली थी, अभी मैं कोलकाता आ गई हूँ। और इसमें क्या है ना कि पानी बहुत अधिक सेव होता है इसमें, ये मशीन थोड़ा तो कॉस्टली है, जैसे सेमी ऑटोमेटिक के कंपेयर आप जब कीजिएगा उसके साथ थोड़ा सा ये कॉस्टली है, लेकिन पानी इसमें बहुत अधिक सेव होता है। दूसरा इसका क्या सबसे बड़ा जो क्वालिटी है, ये वाइब्रेट नहीं होती ये मशीन जो है ना, जैसे उसमें कपड़े को जब निचोड़ता है, पानी को निकालता है, रिंस करता है कपड़े को, तो क्या होता है मशीन जो है वाइब्रेट होने लगती है, लेकिन ये पूरा स्टोन से बना हुआ ये मशीन है, इसके अंदर स्टोन है, ये बिल्कुल हिलता नहीं है, इसके लिए कोई स्टैंड नहीं चाहिए। आप देख रहे हैं ना, इसको हमें बताया था जो इंस्टॉल करने के लिए आया था जो मैकेनिक, उसने बोला था कि आपको इसको स्टैंड की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये मशीन बहुत अधिक हैवी है। और इसको ना आप ट्रांसफ़र, मैं तो बोलूँगी कि ट्रांसफरेबल जॉब के लिए बहुत अच्छा है, टूटता नहीं है, ख़राब नहीं होता, पीछे से बड़े बड़े स्क्रू मतलब दिया हुआ है, जिससे कि मशीन हिलता नहीं है और कहीं भी आप सेफ्टी के साथ इसको लेके जा सकते हैं, आ सकते हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें कितने मोड दिए हैं, इसमें भी ना ऐसा नहीं है, आप डिश वॉशर के जैसा मत समझ लीजिएगा कि बहुत ज़्यादा समय लगता है। इसमें देखिए मिक्स है, कॉटन इको है, इजी केयर है, ये स्किन केयर है, डुवेट है, बेबी केयर है, बच्चों के कपड़े के लिए स्पोर्ट्स वियर है, जो कि मतलब जो हम ट्रैक सूट वगैरह पहनते हैं
है ना उसके लिए है, डेलिकेट है, उलेन है, इंटेंसिव है 60 मिनट के लिए, क्विक 30 इसमें भी है, सेम उसी के जैसा जो कि हमारा जैसे डिश वाशर है ना ठीक उसमें इसमें भी दिया है। रिंस और स्पिन बस 15 मिनट में ये करके निकाल देता है, ये इस पर अगर आप करेंगे रिंस और स्पिन पे तो ठीक है, पूरी बात आपको समझ में आएगा। उलेन का कपड़ा जब डालिएगा, देखिए इसमें हर चीज़ लिखा हुआ है, कहीं इसमें आपको दिक्कत वाली तो कोई बात ही नहीं है। जिस पे आपको डालना है बेबी के बच्चों का कपड़ा डालना है या उलेन का डालना है, आप इसमें पढ़ के डाल दीजिए। तो ये मशीन मैं ऑन कर दी हूँ, ठीक है। अगर मान लीजिए आपको जो चीज़ सेलेक्ट करनी है उस पे इसको घुमाइएगा ना, जैसे कॉटन पे है, यहाँ जब कॉटन इको करेंगे तो यहाँ टाइमिंग भी लिखता है कितने देर के लिए जब आप सेलेक्ट करेंगे। तो जैसे मान लीजिए मैं मिक्स को सेलेक्ट करती हूँ तो उसमें कितना समय लगेगा, अगर यहाँ पे है देखिए स्टार्ट के बाद यहाँ से पावर ऑन होता है और यहाँ से स्टार्ट किया जाता है। जो चीज़ आप इसमें सेलेक्ट कीजिएगा, जैसा कपड़ा आपके पास है उस प्रकार से आप सेलेक्ट कीजिएगा, तो यहाँ से स्टार्ट बटन जब दबाइएगा तो इसमें टाइमिंग लिखता है कितना समय लगेगा, ठीक है। और उलेन का यहाँ पे इंटेंसिव में गर्म पानी में होता है, तो इसमें ना आपको गर्म पानी में कपड़ा जैसे ऑयली कपड़ा है बच्चों का तो वो सब आप डाल सकते हैं, ठीक है। ये भी समझ में आपको आ गया। और यहाँ पे ना पानी कितना गर्म आपको चाहिए वो भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, कितना 95 डिग्री चाहिए, 60 डिग्री चाहिए, 40 डिग्री चाहिए, कोल्ड वाटर चाहिए या 30 डिग्री चाहिए, सब कुछ दिया गया है कैसा आपको चाहिए वो हर चीज़ इसमें ऑलरेडी बताया जा चुका है। तो मान लीजिए मैं आपको करके दिखाती हूँ, 30 करके दिखाती हूँ, क्विक 30। तो देखिए क्विक 30 पे जब मैं कर दी तो देखिए यहाँ लिख भी दिया, और जब ये पावर मैं ऑन कर दूंगी तो ये मशीन जो है चलने लगेगी। देखिए तो ये ना स्पिन करना शुरू कर देगी, पानी ले लेगी मशीन अपने आप, सारे फंक्शन इसके हैं, कोई झंझट नहीं है, झमेला नहीं है कि इसमें पानी डालना है, ड्रेन करना है, फिर हमें जाके दोबारा साफ पानी फिर से डालना है, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल मेहनत नहीं है, एक बार डाल के भूल जाना है। तो अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं वॉशिंग मशीन लेने के लिए तो मेरे मतलब ख्याल से मुझे लगता है कि फ्रंट लोडिंग में पानी बहुत अधिक सेव होता है, अगर मतलब इसका प्लस पॉइंट सबसे अच्छा यही है, पानी भी कम लगता है और बिजली भी इसमें कम लगता है, और पानी वगैरह जैसे आपको ना ड्रेन करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, ये सब कुछ अपने आप करेगा। और इसमें कहाँ सर्फ वगैरह डालते हैं वो भी मैं बता देती हूँ, और एक चीज़ इसमें प्रॉब्लम क्या है जो इसका मतलब नेगेटिव पॉइंट है वो बता दे रही हूँ। जैसे टॉप लोडिंग में हम क्या करते हैं ना, सेमी ऑटोमेटिक हो या फुल ऑटोमेटिक हो, टॉप लोडिंग उसमें क्या करते हैं कि जैसे हम कोई कपड़ा भूल जाते हैं, ठीक है मैं मशीन को पहले ऑफ कर देती हूँ, तो कपड़ा कोई भूल जाते हैं, फिर हम दौड़े दौड़े कोई कपड़ा लेके आते हैं, अरे ये तो मैं मशीन में डालना ही भूल गई, तो हम क्या करते हैं उसका ढक्कन हटाते हैं ऊपर का टॉप का और फिर उसमें डाल देते हैं। लेकिन इसमें क्या जो इसका नेगेटिव पॉइंट है वो बता दे रही हूँ, बाकी सब तो बहुत अच्छा है। ये एक बार जब लॉक हो जाता है ना तो ये मशीन आप चाहें कि बीच में इसको खोल के और फिर मैं कोई कपड़ा इसमें डाल दूँ, नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि ये एक बार लॉक हो जाता है, मतलब मशीन अच्छे से लॉक हो जाती है तो ये खुलती नहीं है, क्योंकि छोटे बच्चे इसको खोल देंगे तो इसीलिए मशीन पूरी तरीके से लॉक हो जाता है, ये बिल्कुल नहीं खुलती है। दूसरी बात क्या है कि मान लीजिए अगर मशीन के चलते समय ही लाइट चली गई और दो दिन लाइट आए ना, तो फिर आप इसका पानी कैसे निकालेंगे, तो यहाँ से ना ये ड्रेनिंग सिस्टम दिया है, ठीक है ये वायर दिया है, और इसमें ना खोल के मैं दिखा देती हूँ देखिए, और इसको ना एक क्लिप दिया है, इसको निकाल देंगे तो अंदर का जो पानी है इस पाइप से निकल के बाहर आ जाता है, ठीक है। और फिर ये लीड लगा देना, इसके ऊपर एक कैप दिया, तो मान लीजिए मशीन दो दिन चली ही नहीं तो ये पानी निकालिएगा कैसे अंदर का, तो उसके लिए ये दिया है, यहाँ भी दिया है, यहाँ से भी निकल सकता है, और फिर इसको हम क्लोज कर देते हैं। तो इसमें करना कैसे है चलिए वो भी बता देती हूँ आपको। तो देखिए पीछे ना इसका आउटलेट और इनलेट, देखिए यहाँ पे ना जब आप मशीन लीजिएगा तो आपको एक ना ऐसे पॉइंट देना पड़ेगा नल का, और ये नॉर्मल ऐसा वाला नल नहीं है, इसका मुंह ना थोड़ा सा कटिंग, जो हमारे लैंग्वेज में उसको बोलते हैं लहर वाला, जिसमें कटिंग कटिंग सा रहता है वो वाला चाहिए, जिसमें कि हम ये इसका फिक्स करते हैं। और यहीं से यहाँ पे देखिए आउटलेट भी है, पानी यहाँ ड्रेन हो जाता है,
तो यहीं पे मैं रखी हूँ। और इधर इसका पावर सॉकेट लगा है, जो कि बड़ा प्लग चाहिए आपको थोड़ा सा वॉशिंग मशीन और डिश वाशर या फ्रिज के लिए, तो ये बड़ा सा सॉकेट दिया हुआ है, ठीक है। और यहीं पे मैं इसको रखी हूँ कि इधर से कपड़ा लेती हूँ और इधर बालकनी में जैसे मैं सुखा देती हूँ, इधर से ही कपड़ा को डालना शुरू करती हूँ। तो चलिए देख लेते हैं कि सर्फ़ वगैरह हम कहाँ डालते हैं। तो यहाँ पे इसका सर्फ़ वगैरह हम डालते हैं। तो देखिए सर्फ़ कैसे डालनी है, इसमें माप के ये आप ना सर्फ़ एक्सल मैटिक भी जो आता है ना, सर्फ़ एक्सल का जो लिक्विड वाला भी डाल सकते हैं, पाउडर भी डाल सकते हैं। टोटल आपके ऊपर है कि आपको कौन सा सर्फ डालना है। ऐसे इसमें मतलब जो सर्फ एक्सल मैटिक है ना, वही ज़्यादा सही रहता है इस मशीन के लिए। ऐसे मैं हर सर्फ डालती हूँ, देखिए सर्फ एक्सल भी डालती हूँ, रिन भी डालती हूँ, जो ही मेरे पास जब जब अवेलेबल रहता है तो मैं डाल देती हूँ। तो मान लीजिए आपका कितना कपड़ा है उसके अकॉर्डिंग आपको सर्फ लेनी है। तो आपको थोड़ा सा ना चलाते चलाते आइडिया मिल जाएगा इस मशीन पे कि कितना हमें सर्फ डालनी है, कितना नहीं डालनी, हमारा कपड़ा कितना गंदा है। तो उस प्रकार से, क्योंकि ये कपड़ा ये मशीन जो है ना, हमारा राइट हैंड है, बहुत अच्छा कार्य करती है और सारे हमारे जो कपड़े हैं ना धुल जाते हैं। स्टोन वाले कपड़े वगैरह आप ना डालें, क्योंकि वो स्टोन निकल जाते हैं मशीन में ना, धुलते धुलते निकल जाते हैं। मैं 2 स्पून डाल दी, ठीक है। इससे अधिक अगर मेरा कपड़ा गंदा होगा तो मैं और भी डाल सकती हूँ, लेकिन अभी थोड़ा सा मैं डाल दी। इसमें क्या डालते हैं, इसमें ये कंफर्ट जो आता है, बच्चे जो है ना थोड़ा सा रैपर निकाल दिए हैं इसलिए आप लोग को पता नहीं चल रहा होगा। तो कपड़े में जैसे ना बारिश के दिनों में ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है इसका, क्योंकि कपड़े से ना स्मेल कैसा आने लगता है, कपड़े जब सूखते नहीं है। तो ये आपके मतलब मर्जी के ऊपर है, ऐसा नहीं कि हमेशा आपको डालना ही है। अगर आपके पास है उतना मतलब चाहती हैं कपड़ा थोड़ा सा गम के, तो आप इसमें कम्फर्ट भी डाल सकती हैं। और इसमें सर्फ डालते हैं, इसमें आप चाहें तो उजाला भी डाल सकते हैं, इसमें भी कंफर्ट आप डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्री रिंस करने के लिए इसमें हम थोड़ा सा सर्फ डाल के, मतलब दोबारा मान लीजिए कोई चीज़ आपका गंदा रह जाता है तो प्री रिंस भी इसमें कर सकते हैं, लेकिन इसमें सर्फ डालते हैं, ठीक है। देखिए इसमें दिया भी है, नंबर भी दिया है, 1 नंबर इधर फ्लावर का दिया है, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ना पहचानने के लिए, और यहाँ सर्फ के लिए दिया है, ठीक है। और इसको हम क्लोज कर देंगे, ठीक है, ये मशीन हमारी क्लोज हो गई। अब मैं चलिए इसको खोल के आपको दिखाती हूँ। यहाँ लॉक हो जाती है, देखिए साउंड आता है, और यहाँ एक प्रेस करने के लिए ना अंदर बटन दिया है, इसको हम प्रेस करेंगे, ठीक है। तो ये मशीन हमारी खुल गई, और इसको ना इसके अंदर थोड़ा सा ना इसमें जैसे गंदगी हो जाता है, और कोई भी चीज़ ना चेक करके डालिए, जैसे छोटे मोटे चीज़ इसमें आके इकट्ठा हो जाता है, अगर बच्चों के पैंट में कुछ रह जाए, मतलब खेलने वाला चीज़ यह सब ये कलेक्ट कर देता है, कुछ भी इसमें बह के पानी के साथ जाता नहीं है, ठीक है। तो ये अंदर का है, लाइट नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा देख लीजिए, थोड़ा बहुत दिखा दे रही हूँ, देखिए कैसे चलती है, और आपको कपड़ा दिखता भी है कि इसमें कैसे वाश हो रहा है। टॉप लोडिंग में उतना अच्छे से दिखता नहीं है, इसमें सब दिखता है, देखने में भी खूबसूरत है थोड़ा सा मशीन। तो चलिए अब मैं कपड़ा लोड करूँगी, आपको दिखाती हूँ कि कपड़े मैं इसमें कैसे डालती हूँ। तो चलिए मशीन को पहले ऑन कर लेती हूँ, ऐसे ये बस यहाँ पावर बटन है, ऑन यहाँ से होता है, जब स्टार्ट जब मशीन का सारे फंक्शन कार्य हो जाते हैं तब मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगी। तो मैं इसमें कपड़ा डालना शुरू करती हूँ। तो देखिए मैं आप लोग को थोड़ा सा करके दिखा देती हूँ, कोई झंझट नहीं है, कपड़ा डालना है, इधर सर्फ डालना है, स्टार्ट करना है, और जितना आपको सेलेक्ट करना है अपने अकॉर्डिंग कर लीजिएगा, आपको खुद आइडिया लगेगा कितना समय कौन सा लेता है, और उस प्रकार से कपड़े को आप लोड कर दीजिएगा, ठीक है। तो मैं आप लोग को देखिए थोड़ा सा कपड़े डाल कर ना दिखा देती हूँ। तो ऐसे करके मैं, तो मेरे कपड़े बहुत अधिक गंदे नहीं हैं। आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोग के घर में कौन सा वॉशिंग मशीन है, टॉप लोडिंग है, फ्रंट लोडिंग है, कौन सी कंपनी है, ज़रूर मुझे बताइएगा। और क्या उससे आप लोग को मतलब एक्सपीरियंस हो रहा है कि अच्छा है बुरा है, इसको भी आप ले सकते हैं, एक बार ज़रूर लेके देखिए, बहुत अच्छी है ये भी मशीन। और ऐसे मैं लोड करके इसको मैं 30 मिनट्स के लिए सेलेक्ट करूँगी, क्योंकि मेरा कपड़ा जो है बहुत अधिक गंदा नहीं है, नहीं तो उलेन पे इंटेंसिव करेंगे तो 1 घंटा ये लेता है, देख रहे हैं ना। और ये गर्म पानी में कपड़े को धोता है, और इधर क्विक 30 में करूँगी, ये प्री ये रिंस करेंगे तो बस 18 मिनट्स में आपके कपड़े को थोड़ा सा जैसे पसीने वाले कपड़े होते हैं ना,
मतलब बदबू आते हैं वैसे सब रिंस करके ये निकाल देता है 18 मिनट्स में। और ये देखिए क्विक 30 मैं मैक्सिमम डेली यूज करती हूँ, डेली वियर कपड़ों को आप क्विक 30 में ही कीजिए, कि मतलब 30 मिनट्स में आपके कपड़े अगर हल्के फुलके गंदे हैं डेली जो आप लोग यूज करते हैं तो ये ना झटपट 30 मिनट्स में आपके कपड़े धुल जाएंगे। तो मैं मैक्सिमम डेली यूज इसी को करती हूँ, कभी कभी इंटेंसिव करती हूँ टावल वगैरह जब धोती हूँ बहुत अधिक गंदा रहता है तब। अब ये स्टार्ट कर दूंगी तो देखिए ये अपना फंक्शन इसका शुरू हो जाएगा और 30 मिनट्स बाद आप कपड़े को अनलोड कर सकते हैं, लेके अपना डालिए धूप में, कोई दिक्कत नहीं। और ये कपड़े को ना हाफ ड्राई भी कर देता है, कोई दिक्कत नहीं है। बारिश के दिन में तो और भी अच्छे से मतलब हम सुखा लेते हैं पंखे के नीचे फैन के नीचे, आराम से इसके कपड़े सूख जाते हैं। और इस मशीन की एक और खासियत है कि ये ना जैसे कपड़ों को वॉश करने के बाद ना उलझाता नहीं है आपस में, जैसे टॉप लोडिंग है जो सेमी ऑटोमेटिक जो मशीन है वो कपड़ों को इतना अधिक उलझा देता है कि फिर हमें एक एक कपड़े को अलग करने में ना हमारा कमर पेन होने लगता है। लेकिन इस मशीन में ये फ़ायदा है कि मतलब बहुत अधिक फ़ायदा है कि ये कपड़ों को ना एक तो थोड़ा सा ड्राई भी कर देता है और आपस में कपड़े हैं जो ना वो बहुत अधिक उलझे हुए नहीं होते हैं, एकदम अलग अलग सेपरेट हो जाते हैं। तो इसलिए ये मशीन मुझे बहुत अच्छा मतलब लगता है। तो यहीं तक का था हमारा वीडियो, आशा करती हूँ उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से जितनी मेरी बहनें हैं जो लेना चाह रही हैं प्लानिंग करी हैं उनको बहुत अधिक लाभ मिलेगा। तो फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए।